यहाँ से आगे जो है हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है पिंडी के लिए। मेन रीजन जो था क्वेटा आने का वो ये है, कजन की शादी अटेंड करना। हर किस्म का ड्राई फ्रूट है, तो सब कुछ ढाबे नुमा होटल है। रात के 12:30 बज रहे हैं, पहला ब्रेक लगा है। तो इसको नींद पता क्यों नहीं आ रही, सुबह इसकी शादी है ना, इस खुशी में नींद नहीं आ रही इसको। भाई दोनों जो है खत्म हो गया, अभी तीसरा रोश आ गया। होटल को देखो जरा, होटल की लोकेशन देखो कैसी है। लेकिन मुसाफिरों से जो है ना लूट मार तो करनी है ना। सुबह सुबह का मौसम है, ऐसी ठंडी हवा है ना, मुंह हाथ धोने का भी दिल नहीं कर रहा यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, सुबह जो है हम क्वेटा पहुंचे थे और अभी शाम 6 बजे की हमारी दोबारा टिकट थी यहाँ से क्वेटा से पिंडी की। तो अभी पिंडी के लिए रवाना हो गया यार। आते ही मैं सो गया था, काफ़ी थकावट हो गई थी। अभी वापस आया भाई टर्मिनल वाली साइड पे, ये बस है इसमें हम जा रहे हैं। 6 बजे की टिकट थी, 6:15 पे पहुँच रहे हैं हम। सारा लगेज वगैरह अभी अंदर होगा। ये सीटें हैं भाई, पीछे 2x2, आगे 2x1। ये चलो, यहाँ से आगे जो है हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है पिंडी के लिए। मेन रीज़न जो था क्वेटा आने का वो ये है, कज़न की शादी अटेंड करना। जो मेरे साथ है सफ़र में, उनसे मिलवा देता हूँ आपको। ये मुबशर भाई, मुबशर भाई खाए कर बहुत शर्माते हैं यार ये। अभी वैसे भी ये सोने वाले हैं, इन्होंने बोला भाई मैं सफ़र में सोता हूँ तो डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है, इनको सोने देंगे। बाकी दूल्हा भी हमारे साथ है, ये रहा दूल्हा, ये उससे ज़्यादा शर्माता है। हाय तो कर दे भाई, इतना क्यों शर्मा रहा है। अभी फिर रात शुरू होने वाली है, रात को वैसे भी एडिटिंग वगैरह करनी है। रास्ते में जो है भाई एडिटिंग के बगैर तो नहीं रह सकते। बाकी वीडियोस वगैरह थोड़ी लेट आ रही हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जो है ना नेटवर्क का बहुत इशू है, तो अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। खैर आती रहेंगी वीडियोस इसी तरह, बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहो। फिर जैसे पिंडी पहुंचेंगे उसके आगे की, फिर वहाँ से फिर आगे अपने गांव जाना है, वो सारी जर्नी भी आपको दिखाऊंगा। वापस फिर हमें क्वेटा आना है, वो एक कंप्लीट जर्नी है, वो आपके साथ मैं इसी तरह शेयर करूंगा, ठीक है। खैर ये दो जो मेरे पार्टनर हैं ना भाई, ये ऑफ कैमरा तो बड़ी बातें करते हैं, कैमरा ऑन होते ही शर्मा। हाँ ये क्या है, स्प्लेडी लगा रहे। क्या लगा रहे, स्प्लेडी। स्प्लेडी। हाँ। अभी बस रुकी है यार मगरिब की नमाज के लिए, पहला स्टॉप लिया है। ये बच्चे आ गए थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे, पता नहीं स्प्लेडी लगा रहे क्या लगा रहे। फिर ऐसी से कुछ बस है भाई, 2x2 भी है, 2x1 भी है। जब से यार पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तब से जो है किराए भी बहुत ज्यादा हो गए। जो पहले 2-2.5 हज़ार रुपये किराया था, वो अब 5-6 हज़ार रुपये जा चुका है। खैर सफ़र हमारा स्टार्ट है, 1 घंटा हो चुका है, अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ सामान ले लेते हैं, ये ले लिया अभी हमने यहाँ पर, ठीक है। बाकी ऐसा सा कुछ बाज़ार है भाई, ये बाज़ार में रुकी है अभी, और सोचा चलो रास्ते के लिए कुछ ना कुछ ले लेते हैं, रिफ्रेशमेंट का और भी देख लेते हैं। यही पड़ा है बस, इतना सा सिर्फ, इसी में से जो लेना है लो बस, बाकी यही कोल्ड ड्रिंक वगैरह। वो देखो वहाँ जाके अब पता नहीं क्या टॉफियाँ ले रहे हैं बच्चों की, क्या ले रहे, तुम्हें तो रास्ते में वैसे भी सोना है ना, फिर क्यों ले रहे हो। चलो हमने तो अपने लिए ये रेडबुल लिए भाई, इससे ये रास्ते में जो है ना थोड़ी सी नींद वींद नहीं आएगी बस में, और एडिटिंग अच्छे से हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट भी पड़ा हुआ है भाई, बहुत सारा ड्राई फ्रूट है। देख रहे हो ये बादाम, कितने किस्म के बादाम पड़े हैं, सिर्फ हर किस्म का ड्राई फ्रूट है भाई। अभी जो है स्टे हुआ है हमारे, पहला ब्रेक लगा है और खाना खाने का, ऐसा सब कुछ ढाबे नुमा होटल है यहाँ पर, हसन क्वेटा होटल। और रात के 12:30 बज रहे हैं, पहला ब्रेक लगा है, खाना खाते हैं। देख रहे हो अभी ये तो सोते सोते आया है, नींद पूरी हो गई, चलो अच्छा है, ज़बरदस्त। सर इसको नींद पता क्यों नहीं आ रही, सुबह इसकी शादी है ना, इस खुशी में नींद नहीं आ रही इसको। भाई परेशान है, वो मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, बोल रहे सिग्नल आ रहे हैं तुम्हारे, भाई परेशान हो गया क्यों, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे ना भाई, समझ गया कि यहाँ मेरे सिग्नल आ रहे हैं, अनोखे सिग्नल है। खाना बना मेरा खाना आ गया।
इसे रख दिया जेल में जैसे खाना नहीं। चलो खाना खाते हैं अभी, बिस्मिल्लाह करते हैं। खाना खाने के बाद फिर आगे की जर्नी शेयर करता हूँ आपके साथ। भाई दोनों जो है ख़त्म हो गए, अभी तीसरा रोश आ गया, अभी ये खाते हैं। टेस्टी है खाना यार, खाने का टेस्ट अच्छा है। खाना वाना जो है खा लिया और होटल को देखो ज़रा, होटल की लोकेशन देखो कैसी है। लेकिन मुसाफिरों से जो है ना लूट मार तो करनी है ना। अभी आपके सामने कितना सा खाया हमने, इस खाने का बिल जो है भाई 2000 रुपये, 100 रुपये का तो चाय का कप है सिर्फ। खैर महंगा बहुत है यार, क्या कर सकते हैं, मजबूरी में खाना पड़ता है जैसा भी हो जो भी हो। देखो ना लोकेशन है ना, कोई रंग रोगत कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद इतना बिल है। अभी स्टे हुआ है एक, और पूरे 5 घंटे बाद स्टे हुआ है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, 5:45 हो रहे हैं अभी, और एसी टाइट ठंडी हवा चल रही है ना, मोटरवे पे स्टे लिया है। देख रहे हो अभी स्टे हुआ है, और मौसम देखो यार कैसा टाइट हो रहा है, सुबह सुबह का मौसम है, ऐसी ठंडी हवा है ना, मुंह हाथ धोने का भी दिल नहीं कर रहा यार। सो गया था मैं, अभी नींद से उठाऊँ और उतरे, थोड़ा सा फुल टाइट सर्दी लग रही है यार, मुंह हाथ धोने का भी दिल नहीं कर रहा। अभी मुंह हाथ धोया ना तो फिर अकड़े पड़े होंगे, ऐसी टाइट हवा ठंडी ठंडी चल रही है, अभी हिम्मत नहीं है मुंह हाथ धोने की यहाँ पर। फाइनली भाई पिंडी जो है हम पहुँच चुके हैं, और बस से उतर गए भाई। अब यहाँ से आगे की जर्नी पता नहीं मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये सामने जो है भाई मर्दान मोटर में, मर्दान राजा बाजार का बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड पे राजा बाजार है, ये देख रहे हो राजा बाजार। अभी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ पर भी सारा ड्राई फ्रूट वगैरह बिक रहा है। क्वेटा से लेकर पिंडी तक की जर्नी ये थी, ये सब हुआ भाई रास्ते में, जो जो हुआ सब शेयर किया आपके साथ। तो चलो बस आगे की जर्नी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यही था आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूँ इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।